गौरी के पेट से दिव्य अंडकोश निकालकर अपने गर्भ में स्थापित करने के बाद सौम्यपरी ने सिद्धार्थ, गौरी, बूढ़े बाबा और यक्षिणी शशकावती को उपहार देकर उन्हें सम्मान सहित परिलोक से विदा किया। बूढ़े बाबा और यक्षिणी शशकावती जिस तरह खरगोश पर बैठकर आए थे, उसी तरह खरगोश पर बैठकर वहां से लौट गए। सिद्धार्थ और गौरी को परिलोक के एक विमान में बिठाकर परिलोक से पृथ्वी की तरफ विदा किया गया। कुछ ही समय में सभी उस पेड़ के ऊपर आ पहुंचे जहां से वो परिलोक की तरफ गए थे। वहां पर पहुंचकर गौरी विमान से उतरी और मोतीबाई को जाकर गले से लग गई। फिर सभी ने यक्षराज भद्रशाल और यक्षिणी शशकावती को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उन्हें सहायता करने के लिए धन्यवाद दिया। सभी को आशीर्वाद देकर यक्षराज और यक्षिणी अदृश्य हो गए। उसके पश्चात अनंग पिशाच ने अपने देह का आकार बढ़ाया और सभी उसके ऊपर बैठ गए और वहां से छलांग लगाकर अनंग पिशाच पवन की गति से वीरानगढ़ की ओर रवाना हुआ। कुछ ही देर में वो सभी को लेकर वीरानगढ़ पहुंच गया। वहां पर सरपंच काका, मोहन और बाकी के गांव वाले सरपंच काका के घर के बाहर आंगन में चिंतित बैठे हुए थे। जैसे ही अनंग पिशाच वहां पर पहुंचा, सभी लोग उसके ऊपर से नीचे उतरे और उन्हें देखकर सरपंच काका, मोहन और बाकी के गांव वालों की जान में जान आई। और सरपंच काका ने दौड़ते हुए जाकर उनको घर के अंदर लेकर आए और उन्हें वहां पर आराम से बिठाया, पीने के लिए शीतल ठंडा पानी पिलाया और फिर उनसे पूछा कि वो कहां थे इतने समय तक। सिद्धार्थ और गौरी ने सबको पूरी घटना का बारीकी से विवरण दिया। सभी ये कहानी सुनकर काफी चौंक गए थे। गौरी के लौटने की खबर सुनते ही मिस्टर बजाज सुजान को लेकर दौड़ते हुए सरपंच काका के घर आए, गौरी को गले से लगा लिया और गौरी ने भी अपने पिता को गले से लगा लिया और उन्हें शांत किया। सभी ने पेट भर खाना खाया और अपने अपने घर आराम करने चले गए। उस तरफ इसी पृथ्वी के किसी अनजान रण प्रदेश में छाया काफी बुरे हालत में एक कोने में पड़ी हुई थी। आसमान में सूरज अपनी पूरी कठोरता के साथ धधक रहा था। पृथ्वी की गर्मी उसे सहन नहीं हो रही थी। उसका सारा बदन धूल से ढक गया था। गर्म तेज लू चल रही थी। छाया पानी की बूंद के लिए तरस रही थी। पृथ्वी पर आकर किसी साधारण मनुष्य की तरह ही वो कमजोर हो गई थी। वो एक एक बूंद पानी के लिए तरस गई थी। लेकिन वहां पर आसपास किसी का ना तो घर था और न ही वहां से कोई मुसाफिर जा रहा था जो उसकी मदद करे। रण की रेती के बीचों बीच छाया पड़ी हुई थी। रेत के सांप उसके ऊपर से रेंगते हुए जा रहे थे। रेत की छिपकली उसके काले कपड़ों के अंदर अपना बिल समझकर घुस गई थी और रेत के बिच्छू उसके शरीर के ऊपर रेंग रहे थे। छाया बिल्कुल सुदबुद खोकर वहां पर मरने की हालत में पड़ी हुई थी। अचानक उसके ऊपर किसी इंसानी आकृति का साया उसके ऊपर पड़ा। वहां पर कोई एक काले कपड़े पहना हुआ व्यक्ति खड़ा था। उस व्यक्ति ने अपने हाथ में रखी हुई छड़ी से छाया को हल्के से मारकर तसल्ली ली कि वो जीवित थी या नहीं। छड़ी की हल्की सी मार पड़ती ही छाया ने गले से थोड़ी सी आवाज निकालकर प्रतिक्रिया दी। उस व्यक्ति को जैसे ही पता चला कि वो जीवित थी, उसने छाया को उठाकर अपने ऊंट पर लाद दिया और वहां से उसे कहीं और लेकर चला गया। उस तरफ वीरानगढ़ में सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो गए थे। सिद्धार्थ ने गौरी को उसके कमरे में सुलाकर अपने कमरे में सोने के लिए चला गया था। उस रात को सभी गहरी नींद सो गए थे। गांव में सब निश्चिंत होकर अपने अपने परिवार के साथ चैन की नींद सो गए थे। लेकिन वीरानगढ़ में हवेली कभी नहीं सोती। हवेली के अंदर अब जो अगला दरवाजा था वो अब खुलने के लिए बेताब हो रहा था। अंदर से जोरों से हंसने की आवाजें आ रही थी और ऐसा भी लग रहा था कि कोई अंदर से दरवाजे को ठोक रहा था। रात के अंधेरे में उस भयानक हवेली के उस दरवाजे के भीतर से ऐसी भयानक आवाज आ रही थी कि सुनकर किसी की भी रूह कांप जाती। तब दरवाजे के भीतर से किसी बूढ़े व्यक्ति के बोलने की आवाज आई, लकड़ी की बग्गी, बग्गी पे घोड़ा, बग्गी को देखकर ऐसा तू दौड़ा, दौड़ा दौड़ा दौड़कर तेरे सर पर मारूं हथौड़ा। और ये कहकर वह जोरों से हंसने लगा। दरवाजे के भीतर से घोड़ों की आवाज भी आने लगी थी। वीरानगढ़ में
बाहर जोरों से हवाएं चलने लगी थी। हवाएं इतनी तेज थी कि पेड़ के कई पत्ते भी टूटकर उस हवाओं के साथ इधर उधर उड़ रहे थे। कई लोगों ने उठकर अपने घरों की खिड़कियां बंद कर दी और फिर से सो गए। हवेली के अंदर जोरों से दरवाजा खड़कने लगा था और अचानक से वो दरवाजा खुल गया और दरवाजे के भीतर से एक काले रंग की बग्गी बाहर तेजी से निकली। उस बग्गी के चार पहिए थे और बग्गी के ऊपर लकड़ी से बना हुआ छोटा सा कैबिनेट था। उस कैबिनेट के बाहर एक लालटेन लटक रहा था। वो बग्गी दो काले रंग के हष्ट पुष्ट घोड़ों से बंधी हुई थी और उन घोड़ों की कमान एक बिना सर के व्यक्ति के हाथ में थी, जिसने पूरी तरह से काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। काले रंग का कोट, काले रंग की पैंट, काले रंग के जूते और उस व्यक्ति का सर उसके बगल में रखा हुआ था, जिसके ऊपर काले रंग की टोपी थी। वो बग्गी तेजी से उस हवेली के बाहर निकल गई और वीरानगढ़ की गलियों में घूमने लगी। तेज हवाओं और कोहरा के बीच में रात के घने अंधेरे में वो बग्गी किसी की तलाश करते हुए वीरानगढ़ की गलियों में घूमता हुआ नील भवन के सामने आकर रुक गया और बग्गी को हांकने वाला वो बिना सर का व्यक्ति अपनी जगह पर खड़ा हो गया और अपने कटे हुए सर को उठाकर नील भवन की तरफ अपने हाथों को आगे बढ़ाया। उसके सर से नील भवन की ओर देखते हुए कहा, आने वाली रात पुरानी है, जवान हो रही तेरी मेरी कहानी है, उस हसीन पल में चल, थोड़ा सा जी लेते हैं और थोड़ा सा मर लेते हैं। ये कहकर वो सर हंसने लगा और फिर उस व्यक्ति ने अपने सर को फिर से बाजू में रख दिया और अपने घोड़े को हांकते हुए अपने बग्गी को लेकर वहां से चला गया। उस तरफ छाया को वहां अनजान व्यक्ति एक अजीब सी जगह पर लेकर गया। वो जगह एक अजीब सा कमरा था जिसमें चारों तरफ हजारों लाखों किताबों का ढेर लगा था। उन हजारों लाखों किताबों के बीच एक छोटे से लकड़ी के मेज के ऊपर छाया को सुलाया और उसके मुंह में चमड़े के थैले में से पानी पिलाया। उसके बाद एक कपड़े से छाया का मुंह पोछा और उसे बेहोशी से बाहर लाने का प्रयत्न करने लगा। आसपास रोशनी के लिए कई सारी मोमबत्तियां लगाई हुई थी और मेज पर कई सारी किताबें खुली पड़ी हुई थी और किताबों पर अलग अलग प्रकार के चित्र बने हुए थे और किसी अनजान भाषा में उस पर कुछ लिखा हुआ था। उस व्यक्ति ने कुछ औषधियों को कूट कूट कर उसका रस छाया को पिलाया और उसके बाद एक धूपदानी लेकर छाया के चारों तरफ कुछ अजीब भाषा में विचित्र मंत्र बोलते हुए घूमने लगा। उस व्यक्ति ने सर से लेकर पैरों तक काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसका सर भी काले रंग के कपड़ों से ढका हुआ था और कुछ ही समय में सारा कमरा धूप से भर गया और फिर अचानक छाया को होश आ गया। छाया को होश आते ही अपने सामने एक अनजान व्यक्ति को देखकर वो घबरा गई और डर के मारे चिल्ला उठी। उस तरफ वीरानगढ़ में सुबह हुई। सूरज उगते ही सारा वातावरण भी शांत हो गया था। रात को चल रही हवाएं शांत हो गई थी। लोग जब अपने कमरे से बाहर निकले तो बाहर रास्ते पर ढेर सारे पत्ते देखकर एक दूसरे से बातें करने लगे। फूलमती ने कहा, अरे कल रात को इतनी तेज हवा चल रही थी, ये देखो कितने सारे पत्ते बिखर गए। तो किसी ने कहा, जरूर कहीं पर आंधी आई होगी जिसका प्रभाव यहां दिख रहा था, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि यहां पर ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो किसी ने कहा, मुझे रात को ऐसा आभास हुआ था कि यहां पर आसपास घोड़े दौड़ रहे थे। ये सुनकर फूलमती हंस पड़ी, यहां पर घोड़े कैसे आ सकते हैं, यहां तो किसी के पास घोड़े हैं ही नहीं। तेज हवा के कारण हो सकता है कि किसी तबेले का दरवाजा खुल गया हो और कोई मवेशी बाहर घूम रहा हो। सरपंच काका भी सुबह उठकर आसपास निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने भी कहा, हवाएं तो बहुत तेज चल रही थी लेकिन किसी का नुकसान हुआ ऐसा जान नहीं पड़ता है। तब मोतीबाई ने कहा, उन गंधर्वों रो लाख लाख आभार मानना चाहिए, उनरे वजह से आज गांव वासियों को मजबूत पक्के मकान मिले से, जिसके कारण इतनी तेज हवा होने पर भी किसी का नुकसान हुआ कोना। तब किसी की नजर रास्ते पर पड़ी और वो दौड़ता हुआ सरपंच काका के पास आया और उन्हें कहा, ये देखिए गांव के कुछ लोगों को जो आभास हुआ था वो भ्रम मात्र नहीं था, वो सच था।
वहां मिट्टी पर देखो, घोड़े के पैरों के निशान भी है और साथ में पहियों के निशान भी है। ऐसा लग रहा है कि रात में यहां पर घोड़े से बंधा हुआ कोई रथ गुजरा था। ये सुनकर सरपंच काका हैरान रह गया और सभी गांव वाले आकर रास्ते पर देखने लगे। सभी लोग हैरानी से उस निशान को देखने लगे। धीरे धीरे सारे लोग जमा हो गए और सभी रास्ते पर बने घोड़े के पैर और पहियों के निशान देखकर आपस में फुसफुसाने लगे। कई लोगों ने आसपास चारों तरफ देखकर कहा, ये निशान सिर्फ एक जगह पर नहीं है, गांव की बस्ती के लगभग सभी गलियों में। मोहन ने कहा, इसका साफ साफ यही मतलब है कि यहां जो कोई भी आया था वो गांव की सभी गलियों में से गुजरा था। सभी लोगों के मन में एक अनजान सा डर बैठ गया था। तब सरपंच काका ने कहा, ये पहियों के निशान और घोड़ों के पैरों के निशान किस तरफ जा रहे हैं, इसका हमें पता लगाना होगा। हमें इन निशानों का पीछा करते हुए ये देखना होगा कि आखिर ये कहां से आया था और गया कहां पर। सरपंच काका ने गांव के कुछ लोगों को निशान का पीछा करते हुए एक तरफ भेजा और बाकी लोगों के साथ वो निशान का पीछा करते हुए दूसरी तरफ गए। सरपंच काका और कुछ लोग निशान का पीछा करते हुए नील भवन तक जा पहुंचे। वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि वो निशान नील भवन के सामने से होकर जंगल की तरफ गए थे। तभी अचानक पीछे से दूसरे लोग दौड़ते हुए आए और उन्होंने कहा, सरपंच काका, खबर ठीक नहीं है, ये घोड़े और पहियों के निशान हवेली की ओर से आ रहे हैं। ये सुनकर सरपंच काका थोड़े से चिंतित हो गए। उन्होंने ये बात सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा को बताने के बारे में सोचा और नील भवन की ओर आगे बढ़े। वो कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि एकदम से वो रुक गए। उन्होंने इशारा करके बाकी लोगों को भी रोक दिया। सरपंच काका ने कहा, मुझे लगता है कि उन्हें इस वक्त कुछ भी बताना ठीक नहीं रहेगा। किसी ने उन्हें पूछा, लेकिन क्यों सरपंच काका, यदि कोई अनजान चीज रात को हवेली से निकल के गांव में घूम रही है तो यह खतरनाक हो सकता है, इसकी जानकारी सिद्धार्थ को तो कम से कम होनी चाहिए ना। सरपंच काका ने कहा, पता होनी तो चाहिए, लेकिन पिछले कुछ दिनों में सिद्धार्थ और गौरी ने बहुत कुछ भुगता है। माना कि वो हमारे रक्षक हैं, लेकिन हैं तो इंसान ही, उन्हें भी कुछ दिनों के आराम की सख्त जरूरत है। ये सब बताकर हम उन्हें फिर से इन सब झंझट में डाल देंगे। हम इतने भी स्वार्थी नहीं हो सकते कि हर छोटी चीज लेकर उनके पास जाएं और उन्हें परेशान करें। हमें आत्मनिर्भर बनना होगा, आखिर हमें भी हमारी रक्षा का दायित्व कभी ना कभी तो उठाना ही पड़ेगा ना। और ये जो निशान हमें दिख रहे हैं वो निश्चित ही चिंता का विषय है, लेकिन ये क्या है, कौन है और यहाँ पर क्यों घूम रहा है, ये हमें खुद को ही पता करना होगा। और उसके बाद यदि हमें ऐसा लगे कि हमें सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा को बताना पड़ेगा तो हम बता देंगे। गांव के दूसरे व्यक्ति ने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ सरपंच काका ठीक कह रहे हैं, हम इन पर इतने निर्भर हो चुके हैं कि मानो हमने तो हाथों में चूड़ियां ही पहन रखी है। सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ भुगत चुके हैं, उन्हें कुछ दिनों के लिए हमें परेशान नहीं करना चाहिए। गांव के बाकी लोग भी इस बात से सहमत हुए, इसीलिए नील भवन जाने का इरादा छोड़ दिया और फिर से अपने अपने घरों की ओर लौट आए। उस तरफ होश में आते ही छाया अनजान व्यक्ति को देखकर डर गई। वो व्यक्ति छाया को होश में देखकर खुश हो गया और उसने धूपदानी नीचे रखे और किसी अनजान भाषा में छाया को कुछ पूछने लगा। छाया को उसकी भाषा समझ में नहीं आई, हालांकि परियों को भाषा का भेद नहीं होता, वे पूरी दुनिया में किसी भी कोने में किसी भी भाषा समझने में सक्षम थी, लेकिन छाया अब परी नहीं थी और वो सारी भाषाओं को समझने में असमर्थ थी, इसलिए उसे उस व्यक्ति की भाषा नहीं समझ आई। उस व्यक्ति ने फिर से उसे कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन छाया को कुछ समझ नहीं आया। तब उस व्यक्ति ने बगल में पड़ी किताबों की ढेर में से एक किताब निकाली और उसमें से दुनिया की विविध भाषा के एक एक वाक्य पढ़कर बोलने लगा। अधिकांश भाषा छाया समझ नहीं पाई। फिर उस व्यक्ति ने उस किताब में हिंदी वाक्य पढ़कर कहा, क्या आप हिंदी समझ सकती हैं? ये सुनकर छाया ने अपना सर हिलाकर हां कहा। ये जानकर वो व्यक्ति खुश हुआ और उन किताब की ढेर में से हिंदी की किताब निकाली और उसमें से पढ़कर छाया को कहा, नमस्कार, मेरा नाम मुस्तफा है, मैं मिस्र में रहने वाला अल्केमिस्ट यानी कि रसायन बनाने वाला व्यक्ति हूं और मैं एक तांत्रिक भी हूं। पूरे मिस्र में मेरे से बड़ा तांत्रिक और कोई भी नहीं है। ये कहकर उस व्यक्ति ने बाजू में लटक रहे एक पर्दे को हटाया और सामने जो दृश्य था वो देखकर
छाया के रोंगटे खड़े हो गए। उस व्यक्ति ने छाया को ऐसा क्या दिखाया जिससे वह हैरान रह गई। वीरानगढ़ से सैकड़ों मील दूर मिस्र में ऐसा क्या था जिसका नाता वीरानगढ़ से था? क्या सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा को इन निशानों के बारे में न बताने का सरपंच काका का निर्णय ठीक था? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।